दोस्तों आज की वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपनी मनपसंद की जॉब ढूंढ सकते हैं। आपको करना क्या है, बस सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक जॉब फाइंड करनी है इस साइट पर और उसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद इनका कॉल आता है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये सब करने से पहले आपको एक काम और करना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मैं नई नई इस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। डन दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओ। दोस्तों अगर आपको पर डे का 1 GB या 1.5 GB डेटा मिलता है और आप उसको पूरा यूज नहीं कर पाते और बाकी बचा डेटा हो जो वेस्ट चला जाता है, अब आप उस डेटे को जो फालतू बचा है, जो आपने यूज़ नहीं किया अनयूज्ड डाटा को, जो आप सेल कर सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। अगर आप भी ये सीखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसमें देखिए और ये ऐप डाउनलोड करें और अपना डेटा सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया हुआ एक जॉब पोर्टल है और बिल्कुल रेयर और रियल जॉब फाइंड यहाँ पर आप कर सकते हो। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। एग्जांपल के तौर पर मैं पंजाब हूँ तो मैं पंजाब से यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, ये हमें फिल करना पड़ेगा। पहले आप जिस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है, जिस टाइप का आपको काम चाहिए, उसके हमें कीवर्ड यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी, उसका नाम लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो भी काम आपको आता है उस रिलेटेड यहाँ पर हम सर्च करेंगे, मतलब कि अगर कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम आता है, हम कंप्यूटर वर्क रिलेटेड ऐसा कुछ लिख के यहाँ पे टाइप कर देंगे। और अगर हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल जॉब लिख के यहाँ पे सर्च कर देंगे। डेटा एंट्री की जॉब आपको आती है तो डेटा एंट्री के जॉब यहाँ पे हम लिख देंगे। मतलब कुछ भी हॉस्पिटल होटल जो भी कैटेगरी में आपको जॉब चाहिए यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। उसके बाद हमें अगर हम ऑल इंडिया में जॉब चाहते हैं, जॉब भी कहीं पे भी हमें मिले तो हम ऑल इंडिया पे क्लिक कर लेंगे। अगर हम स्पेसिफिक प्लेस पर एक जगह जाते हैं तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिल्ली टाइप कर लेता हूँ तो दिल्ली के जिस भी एरिए में जॉब रिक्रूटमेंट है उसके पूरे लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सेंटर दिल्ली पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मंथली वाइज मैं क्लिक कर और यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 20,000 मैं सैलरी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और जॉब की डिटेल है यहाँ पे किस प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यहाँ पर आप ऑल जॉब पर ही रहने दीजिए। इसके बाद हम जस्ट सर्च कर देंगे। तो सर्च करने के बाद दोस्तों आप नीचे चेक करोगे पूरी डिटेल है, जो भी जॉब इस एरिए में है उसकी डिटेल आ जाती है। पूरा चेक कर सकते हो कि क्या डिटेल है जॉब की, कितनी सैलरी है, कितना जो एक्सपीरियंस मांगा गया, कितनी जो एजुकेशन मांगी गई है और इसका एड्रेस क्या है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो फिट लगे जॉब उसको रीड करके जस्ट हमें अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जॉब की जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगी। एक बार अच्छी तरह से रीड करके हम इसको फिट बैठा लेंगे कि हाँ ये जॉब मेरे लिए है। इसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, अप्लाई पर क्लिक करना है, फिर टिक मार लगा के हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस जो देखने को मिलेगा, हमें अब करना क्या है, न्यू यूज़र साइनअप पर क्लिक करना है और ये छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जो हमें फिल करना पड़ेगा। दोस्तों नॉर्मल सी डिटेल है, आप आसानी से इसको फिल कर सकते हो, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है इसे फिल करने में तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट जो इस फॉर्म को पूरा फिल करते हुए बना दूंगा। और फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे हम सेम कैप्चा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे हम फिल कर देंगे और टिक मार लगा के यहाँ पे सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगी जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपके मैसेज पर भी आ जाएगी और मेल पर भी इसका जो पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जब आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट हो गया तो हमें वापस से इस पेज पर आना है और हमें यहाँ पे जो यूज़र नेम क्रिएट हुआ है, जो नई आईडी बनी है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। इस आईडी के थ्रू आप इस साइट से जो भी पोस्ट फिल करना चाहते हो आराम से आसानी से फिल कर सकते हो। और इंटरव्यू की डेट वगैरह चेक करना चाहते हो तो हम लॉग इन करेंगे तो पूरी डिटेल इसके बाद जो आपकी जॉब की आ जाएगी, कब इंटरव्यू है, कब आपको बुलाया गया है, क्या डिटेल्स है, सब आपको शो करेगा। तो दोस्तों अगर कोई सवाल है मन में तो वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।